देश में इन दिनों गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह गणेश जी के मंदिरों में धूम मची हुई है। कहीं कहीं लोग गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर झांकियां सजाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं भजन कीर्तन करते, तो कहीं कहीं इस महोत्सव को एक सप्ताह तक लोग मनाते रहते हैं और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। हजारों की संख्या में लोग गणेश जी के दर्शन करते हैं और गणेश भगवान से मन्नत मांगते हैं और भगवान गणेश जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में, जहां स्थित सिद्धविनायक मंदिर में भी इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम मची है। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग हजारों की संख्या में भगवान गणेश जी के दर्शन करने को पहुंचते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं। भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने को आते हैं और खास बात तो ये है कि मुस्लिम भी यहाँ काफी संख्या में आते हैं। इस महोत्सव में हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिलती है। यहाँ आकर मंदिर में लोग मत्था टेकते हैं, बाद में भगवान गणेश का प्रसाद पाते हैं, साथ ही आशीर्वाद लेते हैं। गणेश चतुर्थी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। इतना भाव हम लोग उनके प्रदर्शित होते हैं, ये लगता है भगवान के लिए क्या करें। और भगवान ही ऐसे हैं जो हम लोगों के इतने अच्छे भाव बना रहे हैं। हम लोगों को लगता ही नहीं है कि हम लोग करने वाले हैं, और सचमुच परमात्मा करने वाला है। यहाँ कुछ भी सोचते हो कुछ भी होता है, यहाँ प्रभु का ऐसा चमत्कार चलता है, ऐसी लीला चलती है, उन्हीं का यहाँ पर आनंद और ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं और हम लोग सब उसका आनंद ले रहे हैं। इस बार बहुत पहले से ही गणेश महोत्सव का प्रयोजन किया जा रहा है, ये हर साल किया जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और सभी समुदायों के लोग यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग करते हैं एक दूसरे के साथ। और हम लोग बहुत उत्सुकता होती है कि गणेश महोत्सव में समय से पहले ही उसका पूरी तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं और उसका बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये महोत्सव करीब 9 दिन चलता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि श्री गणेश जी के दर्शन के बाद उनकी सवारी मूषक के कान में बोलकर जो कोई भी मुरादे मांगता है और गणेश जी की परिक्रमा लगाता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अरे यहाँ तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीना से पंडाल लगता है, वाटर प्रूफ पंडाल एक डेढ़ महीने से लगाया जाता है और फिर उसके बाद बड़े उत्सव से जो सोचते कितनी जल्दी आए गणेश महोत्सव तो उसकी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। यहाँ भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है कमेटी को कि क्रमशः लाइन से आदमी आएं दर्शन करें और लाइन से ही जाएं कि दिक्कत परेशानी ना हो। और यहाँ तो गणेश जी का सुबह अभिषेक पूजन होता है, दूध से अभिषेक, फिर उसके बाद पूजन होता है, आरती होती है। और यहाँ एक और विशेषता है कि गणेश जी के जो मूषक महाराज वाहन हैं उनकी विशेषता बहुत ये ऐसी है कि मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किसी के जैसे संतानें नहीं हुई या किसी की कोई ऐसी इमरजेंसी आई वो शरण में आया है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण बहुत जल्दी हुई हैं। पुखराया के गणेश मंदिर में अष्टम गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारी हम लोग महीनों पहले से करते हैं। पूरी कमेटी सक्रिय रहती है इसमें कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। दूर दूर से कलकत्ता से पंडाल वाले आए हुए हैं, पंडाल डेकोरेशन करने वाले, लखनऊ से फूल डेकोरेटर आए हुए हैं। जिसकी जहां जो ख्याति है वहां से उस व्यक्ति को बुलाया गया है कि कार्यक्रम को किसी भी स्तर से कोई ऐसी कमी ना रह पाए जिससे कोई कार्यक्रम में कोई अपने को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ गणेश महोत्सव एक सप्ताह तक मनाया जाता है। हर रोज नए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भगवान गणेश की झांकी भी सजाई जाती है और दूर दूर से आए कलाकारों द्वारा लोग महोत्सव का आनंद सुख प्राप्त करते हैं। इस गणेश महोत्सव के लिए लोग महीनों से तैयारी करते हैं।